आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टियां मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति तैयार करने में लगी। सोमवार को शिवसेना के राज्य प्रमुख सुनील शर्मा शहर पहुंचे। यहां उन्होंने सनावत रोड स्थित निजी होटल में शिवसेना के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर चर्चा की। शर्मा ने कहा, समूचे प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मैदानी स्तर पर काम करने की बात कही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शिवसेना के मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख सुनील शर्मा ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर जिले में आया हूं, चुनाव की तैयारियों पर बैठक लेकर बात की है। पूरी तैयारी और दम के साथ शिवसेना मैदान में उतरेगी। इस दौरान उन्होंने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मैंने जो दौरा किया था संभागों का, और करीब समझे कि 45 जिले अभी तक घूम चुका हूं मैं, और मैंने जो अपार उत्साह देखा है खासकर युवा वर्ग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार शिवसेना खाता तो खोलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन बिना शिवसेना के सहयोग और समर्थन के इस बार मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बन सकती है, ऐसा मेरा पूरा आत्मविश्वास है। और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में शिवसेना की तरफ जनता देख रही है। मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की तलाश थी, जो आज तक नहीं मिला था, वो शिवसेना के रूप में जनता के सामने विकल्प तैयार हो गया है। और कई मध्य प्रदेश के बड़े लीडर, बीजेपी के जो मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई राज्य मंत्री हैं, मेरे संपर्क में हैं, जो आने वाले समय में सब सामने आएंगे कि जब से बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है, तब से जमीन पे काम करने वाला जो व्यक्ति है, कर्मठ कार्यकर्ता था बीजेपी का, वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है, हताश महसूस कर रहा है। आज कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे बीजेपी शासन में, वो दयनीय स्थिति है। और यहाँ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कि बिना पैसे की कोई काम नहीं होता, अधिकारी बिल्कुल भूख नहीं खाता है बीजेपी के शासन में, क्योंकि वो बंदी देता है, खुले में कहता है। और इस प्रकार से आज मध्य प्रदेश की जनता का बुरा हाल है, और ये सब शिवसेना ऐसे कई मुद्दे हैं, गौ माता का मुद्दा है, जो आज जो हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ माता की बात करती है बीजेपी शासन में बीजेपी सरकार, लेकिन आज कितनी गौ माता सड़कों पर भटकने के लिए विवश है, कई जगह गौशालाएं खोल दी गई है, और कई उसमें बीजेपी के बड़े लीडर, उसके अध्यक्ष कहो या संस्थापक कहो, ऐसे हैं, लेकिन गौ माता की आज बहुत दुर्दशा हो रही है, उसका लाखों करोड़ों का फंड आ रहा है जिसका कोई पता नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के मध्य प्रदेश में शिवसेना सड़कों में उतरेगी, मैदान में रहेगी, और इस बार तीसरी शक्ति के रूप में शिवसेना चुनकर के आएगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। और भी आप पत्रकार बंधु कोई अपना सवाल जवाब करना चाहते हैं तो स्वागत है। के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो क्या शिवसेना ऐसा कोई मुद्दा लेके आएगी जो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके? बिल्कुल, जनता के सामने आप देख रहे हैं कि शिवसेना ही तीसरा विकल्प है, और तीसरे विकल्प के रूप में ही शिवसेना की तरफ जनता लालायित होकर के देख रही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का एक बहुत लंबे समय से जनता ने अनुभव किया है, देखा है, लेकिन जो चाहते थे जनता, जो चाहते थे, जैसा विकास चाहती थी, जैसा काम चाहती थी, वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तीसरे विकल्प के रूप में जनता की नज़र शिवसेना की ओर है, और शिवसेना पूरी तेज़ी से पूरे प्रदेश के अंदर उभर रही है। और हम पूरा विश्वास है, जो मैंने दौरा किया और देखा है, कि मध्य प्रदेश में चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन इस बार बिना शिवसेना के सहयोग के समर्थन के सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा पूरा मेरा आत्मविश्वास है। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं शिवसेना का राज्य प्रमुख हूँ। मध्य प्रदेश में शिवसेना 230 विधानसभा पे चुनाव लड़ने जा रही है, और उसी को लेकर के आज मेरा खरगोन आगमन हुआ है, और खरगोन में भी हम 6 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, और उसके लेकर के हमारे पूरे 10 संभाग में और 52 जिलों पे तैयारी हमारी शुरू हो गई है। और इस चुनाव के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद है, इस चुनाव के अंदर हमारे राष्ट्रीय प्रमुख माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे आएंगे, हमारे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय आदित्य ठाकरे जी आएंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत जी, ऐसे हमारे राष्ट्रीय लीडर सभी इस चुनाव में इस बार पूरे दमखम से चुनावी समर में साथ रहेंगे। ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि कोई भी अधिकारी बिना लेन देन के कोई किसी का काम नहीं करता है। गौ माता आज पूरी परेशान है, भटक रही है। आप देखेंगे कई जगह सरकारी ज़मीनों पे कई भूमाफियाओं का, बड़े नेताओं का, बीजेपी के नेताओं के कब्जे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं, जनहितैषी मुद्दे, रचनात्मक कार्य, उनको सबको लेकर के हम चुनावी समर में रहेंगे। मंत्री और कई पूर्व विधायक आपके संपर्क में हैं, कौन कौन से हैं तो नाम बता सकते हैं? जी, अभी नहीं, समय आने पर हम जो है पूरा खुलासा करेंगे। पिछली बार भी पूर्व गृह मंत्री वगैरह हमारे इस शिवसेना के सीट से चुनाव लड़े थे। इस बार भी कई बीजेपी और कांग्रेस के कई राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सभी यहाँ। जब चुनाव समर आएगा, जब माहौल गर्म होगा, तो आपके सामने कई चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर रही है और मध्य प्रदेश की जनता को तीसरी शक्ति की जो तलाश थी वो शिवसेना के रूप में सबको दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस समर्थन करके अभी सीट मुख्यमंत्री बने थे, क्या यहाँ पे भी कांग्रेस समर्थन देगी क्या शिवसेना? हमारे उद्धव साहब जैसा आदेश करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व जो आदेश करेगा उसका हम पालन करेंगे। अगर उनने कहा कि यहाँ जो कांग्रेस के साथ बैठना है तो कांग्रेस के साथ वो कहेंगे, बीजेपी के साथ तो बीजेपी के साथ, वो निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे। मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।